देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुष्प अंजलि अर्पित की। इस मौके पर शिमला में सफाई अभियान भी चलाया गया। आज के दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए कहा कि आज के युग में महात्मा गांधी का जीवन काफी प्रेरणादायक है। विदेशों में भी महात्मा गांधी के जीवन को सादगी के लिए, स्वच्छता के लिए और जिस तरह से उन्होंने शांति प्रिय ढंग से स्वच्छता के आंदोलन को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी का जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि बहुत प्रेरणादायक हमारे समाज के लिए है, देश के लिए तो है, लेकिन देश के अलावा बाहर भी विदेशों में गांधी जी को सादगी के लिए, स्वच्छता के लिए और जिस प्रकार से उनने शांतिप्रिय ढंग से जो है स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सभी बातों के लिए स्मरण करता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के जीवन से इस नई पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। स्वच्छता, सादगी और सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के जीवन में इस प्रकार से भरी थी, जो स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए प्रेरणा का एक। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।